चैनपुर प्रखंड के सनमार्ग अखबार के पत्रकार रंजीत कुमार के साथ ब्लॉक पर दुर्व्यवहार और जबरदस्ती 500 रुपए का चालान काट कर थाना में केस कर देने को लेकर चैनपुर के पत्रकारों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके विरोध में चैनपुर के सभी पत्रकारों ने चैनपुर ब्लॉक का किसी प्रकार का कोई भी खबर प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया गया। बताते चले कि रंजीत कुमार समाचार संकलन के लिए प्रखंड कार्यालय स्थित मनरेगा भवन में गए थे, तभी प्रखंड वीडियो शिशिर कुमार सिंह के द्वारा बाहर से ग्रिल बंद कर दिया गया और सबका चालान काटने का आदेश दे दिया। इधर रंजीत के द्वारा अपने को पत्रकार बताने पर भी उनका चालान काटा गया और इसकी शिकायत भी थाने में कर दी। इधर इस मामले को लेकर गुमला प्रेस एसोसिएशन ने भी विरोध प्रकट किया है। हमारे पत्रकार भाई के साथ जो ये घटना घटी है, वह और पत्रकार भाइयों के साथ भी कल हो सकती है। अगर हम लोग एक बनकर नहीं रहेंगे, हम लोग एक परिवार बनकर पत्रकार लोग नहीं रहेंगे, तो आगे कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ उपायुक्त महोदय से, प्रदेश से, कि पत्रकार के साथ इस तरह की घटना आइंदा नहीं घटे। मैं प्रभात खबर का हूँ ही, साथ ही जिला के उपाध्यक्ष भी हूँ। कार्रवाई की गई है ब्लॉक में, तो क्या करना? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैं रिपोर्ट न्यूज कलेक्शन के लिए ब्लॉक आया हुआ था, और जिस पर मैं न्यूज कलेक्शन के घूमने के क्रम में मैं ब्लॉक कैंपस आया और वीडियो साहब के द्वारा अचानक ग्रिल लॉक कर दिया गया और जबरन फाइन काटा गया, जिसका मैंने वीडियो सर से पूछा किस बात का, मतलब फाइन काटा जा रहा है, तो उन्होंने किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, फाइन काटने के बाद वो मामला थाना भेज दिए, जिस पर मुझे कुछ समय पूर्व जानकारी हुई, थाना में मुझे बुलाया गया। आप बताए थे कि आप पत्रकार हैं, न्यूज संकलन के लिए आए हुए हैं। जी, मैं बोला कि मैं पत्रकार हूँ और न्यूज संकलन के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? इसमें एक प्रमोद कुमार लिपिक, ब्लॉक के कर्मचारी, और प्रदीप नायक, वो भी ब्लॉक के ही कर्मचारी, उनके द्वारा फाइन काटा गया। और मैं अपना बताया कि मैं पत्रकार हूँ, न्यूज संकलन के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी बात को किसी प्रकार से किसी ने नहीं सुना और चालान काटकर उसे थाना भेज दिया गया।